पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ आज हम लोग बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अगियांव प्रखंड के ऐतिहासिक बरुणा ग्राम के पवित्र शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित कर रहे हैं। तो आइए वैदिक मंत्रों के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हुए हम आज प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो आइए सांस भरिए। विधि को सीखेंगे और प्रतिदिन सुबह शाम, यदि शाम को समय मिले तो शाम को भी, नहीं तो प्रातः वेला में 1 घंटे का अभ्यास हमें जरूर करना है स्वस्थ रहने के लिए, तभी जाकर के जीवन का हम आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करने के तरीके को समझाते हैं। सीधे बैठेंगे और धीरे धीरे प्राणवायु को हम फेफड़े में ले जाएंगे और धीरे धीरे प्राणवायु को हम फेफड़े से बाहर निकालेंगे, यानी 5 सेकंड में सांस को अंदर ले जाना और 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को बाहर करने का अभ्यास। तो आइए 1 मिनट का इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे हम सांसों को भरेंगे छोड़ेंगे। सबकी आंखें बंद हो, मन शांत हो। सबकी आंखें बंद हो, मन शांत हो, धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास चल रहा है। 5 मिनट यदि इस अभ्यास को करें, धीरे धीरे सांस भरना छोड़ना, और जिनको दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, चर्म रोग है, कैंसर है, लकवा है, उन सारे बीमारियों से मुक्ति का एक बहुत ही सरल उपाय, सहज ही साधन है भस्त्रिका प्राणायाम। इससे शरीर का पूरा रक्त शुद्ध हो जाता है और जिसका रक्त शुद्ध हो जाता है उस शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं पनपती है, और यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उन बीमारियों को यह भस्त्रिका प्राणायाम दूर करता है। वही दूसरा अभ्यास करेंगे कपाल भाति का, नाक से झटके से हम सांसों को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। हम भगवान शंकर के दरबार में बैठे हैं। भगवान शंकर को महायोगी कहा जाता है और वो योग किया करते थे, योग के वो जनक भी हैं, इसलिए भगवान शंकर आपको हम बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके दरबार में, आपके चरणों में बैठ के हमें योग करने का मौका मिल रहा है। ये जीवन की पहली घटना है कि नवरात्र का महीना, नवरात्र का यह समय, प्रातः वेला भगवान शंकर का मंदिर, और उस समय में
भगवान सूर्य का सामना हो रहा है और वैसे विराट परिस्थितियों में हम योगाभ्यास कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन में किसी प्रकार के अशुभ संस्कारों से हमें नहीं जोड़ना। हम अपने भीतर के विकारों को दूर कर रहे हैं। कपालभाति का लगातार अभ्यास, जब जब आप सांस को बाहर फेंकेंगे तब तब आपके मन में एक संकल्प हो कि हे प्रभु, मेरे भीतर के सारे विकार व्याधियां हमसे दूर हो रहे हैं। लगातार कपालभाति करें। मन ही मन आप गायत्री मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं बिना बोले हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर् पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंद, मन शांत। जब जब सांस फेंके तो आपका ध्यान सांसों पर टिका हुआ है। गैस कब्ज तो 5 दिनों में ही धीरे धीरे खत्म हो जाए। जरूरत है शुद्ध आहार लेने का, 6 घंटे का नींद लेने का, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लगातार कपालभाति का अभ्यास। झटके से नाक से छींकने की प्रक्रिया है। जैसे हम छींकते हैं तो नाक में घुसा हुआ कोई लकड़ी बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये बीमारियों को दूर भगाएगा। और हमारे जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना है, सेल्स से बना है। जो कोशिकाएं मृत प्राय हैं, जो कोशिकाएं डीजनरेट हो रही हैं, उन कोशिकाओं को जागृत करता है, एक्टिवेट करता है, उसे पुनर्जीवित करता है। और जो कोशिकाएं पुनर्जीवित हो रही हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, हम ऊर्जावान हो रहे हैं, ऊर्जा एनर्जाइज हो रहे हैं। और जो व्यक्ति जैसे बैटरी को चार्ज कर देते हैं वो बैटरी काम लायक हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर रूपी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाए तो कोई काम लायक नहीं है। इसे जो शरीर हमारा सांसों से मुक्त हो जाता है, मर जाते हैं, तो ये शरीर को लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, आपको घर वाला भी नहीं रखेगा घर में। इसलिए प्राणों के साथ अपने आप को जोड़िए। लगातार कपालभाति का अभ्यास हमें 5 मिनट से 15 मिनट का अभ्यास करते जाना है। और जिस दिन से 15 मिनट का अभ्यास यदि होने लगा उसी दिन से समझिए कि हमारे अंदर ये कपालभाति दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में हमें लाभ देने लगा। दूसरा सावधानी इसमें रखना है, जिनको नहीं करना है, जिनको यदि पेट का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीना नहीं करना है, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीना नहीं करेंगे। यदि माँ बहनों को गर्भावस्था में यदि हैं तो गर्भ धारण की स्थिति में नहीं करना है। यदि माँ बहने मासिक धर्म के दौरान है तो मासिक धर्म के दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। किन्हीं को यदि हाई ब्लड प्रेशर हो उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक हमें अभ्यास करवाते हैं। बाकी सभी लोग इसे पूरी तन्मयता एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो आपके भीतर उन शक्तियों का जागरण होगा जिन शक्तियों के माध्यम से दुनिया के तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय।